गाइस इट्स अमनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैं किचन में खड़ी हूँ, तो आज की वीडियो स्नैक्स खाने पीने के बारे में होगी। तो मैं आप सभी से आज 3 to 4 ऐसे स्नैक्स ब्रेड से जो बनते हैं वैसे स्नैक्स में शेयर करूँगी जो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मेरे फेवरेट हैं। तो मैं आप सभी के साथ उनकी रेसिपी शेयर करूँगी विदाउट एनी फर्दर डू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला डिश जो मैं बनाने जा रही हूँ है ब्रेड पिज्ज़ा। तो सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी हमें ब्रेड। सो सेकंड इंग्रेडिएंट में मेरे पास है चीज़, मोज़रेला चीज़ लेनी है। मैंने ऑलरेडी उसको ऐसे स्लाइस कर लिया, ग्रेट कर लिया। थर्ड इंग्रेडिएंट है सॉस। जो सॉसेस होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खाती हूँ पिज्ज़ा टॉपिंग एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जैसे आप चाहो, जो आप चाहो आप डाल सकते हो। कैप्सिकम, अनियन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दिस स्वीट कॉर्न। मेरी ये तीनों ही फेवरेट है, मैं इन तीनों को डालती हूँ और फिर सब्जी में डालती हूँ। टमाटो केचप भी ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हैं, डालना चाहो तो नहीं डालना। एंड लास्ट थिंग इज स्पाइस मिक्स एंड चिली फ्लेक्स। और द फर्स्ट स्टेप इज टू स्प्रेड द पिज्जा टॉपिंग इवनली ऑन द ब्रेड just on the one side. Now it's the time to add the vegetables. आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं, आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं, आप वो सारी वेजीज डाल सकते हो। Now I'm adding the tomato ketchup. अगर आपको नहीं पसंद तो आप skip भी कर सकते हो। And now finally we'll add the cheese. And now for the final touch up, I'll just add oregano and chili flakes. Now last but not the least, it's the time to melt the cheese in the microwave. Now I'm dividing the bread pizza into 2 halves so that it is easy to eat. Okay, so now for the second dish that I'm gonna make is chili cheese toast. So for that ingredients for the item, the cheese, sabse cheese, bread. And the second thing that I will need is cheese, because chili cheese toast hai. To jaise ki maine bol diya ki chili cheese hai, to chili cheese hame chop chili le sakte ho, grated cheese bhi le sakte ho, whatever you feel comfortable is. And the third thing is थोड़ी सी वजीज। तो अगेन आई हैव थोड़े से प्याज, थोड़े सा अनियन चॉप्ड अनियन, एंड नेक्स्ट आई हैव इज चॉप्ड कैप्सिकम। ओके, यहाँ पर लास्ट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे पूरा डिश में टेस्ट आता है, वो है यस येलो बटर विथ सम गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक या फिर ग्रेटेड गार्लिक, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे गार्लिक ले सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी गार्लिक, 1 स्पून अराउंड 1 स्पून बटर में मैंने मिक्स किया थोड़ा सा गार्लिक। I'll start by adding a layer of butter and garlic on both the sides of the bread. Front side pe thoda sa zyada lagega in comparison to the back side. And now I'll add my veggies, which is onion and capsicum. I'll add some chilies. अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा चिलीज ऐड कर लेना, अगर कम तो फिर कम चिलीज। एंड नाउ आई एम एडिंग द चीज़, एंड फॉर द चीज़ अगेन आई हैव मोज़रेला चीज़, बट दिस टाइम आई ऑल्सो हैव द स्लाइस्ड चीज़
स्लाइस चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों अगर ऐड करोगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, बट अगर आपके पास स्लाइस नहीं है सिर्फ मोज़रेला है तो भी चल जाएगा, बट मोज़रेला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्लाइस। नाउ वी विल जस्ट पुट द सैंडविच इन द पैन लो फ्लेम पर, रिमेंबर लो फ्लेम पर ही कुक करना, नहीं तो नीचे से ब्रेड जल जाएगी, और लिड से कवर भी करना है। जस्ट टेक 1 to 2 minutes टू मेल्ट द चीज़ और आपका टोस्ट तैयार है। Moving on with the third dish. It is a normal sandwich, mayonnaise wala sandwich. 2 minutes quick sandwich. सबसे पहले bread. हर बार मैं ये बोल रही हूँ ना, मैं बहुत stupid लग सा करूँगी. But second thing is white mayonnaise. इसके लिए मैं white mayonnaise चाहूँगी, veg mayonnaise original. And the third thing is capsicum. और हमें चाहिए होंगे chili flakes और oregano. And now for the sandwich, I'll start by adding 1 spoon mayonnaise to my capsicum, chopped capsicum. And chopped capsicum के साथ आप sweet corn भी ले सकते हो. Usually मैं sweet corn डालती हूँ, but इस time मैं भूल गई because I'm making this one after a very long time. क्योंकि मेरी mom बनाती थी हमेशा. Okay, so now I'm adding oregano and chili flakes. Oregano और chili flakes डालना मत भूलना, उससे ही spiciness आता है क्योंकि इस sandwich में और कोई chili नहीं डाल रहा. I'm just mixing with the paste and I'll just spread it on half side of the bread because मैं one bread का इस्तेमाल करूँ, but usually a पूरी bread पर spread होता है and then 2 breads के साथ ऐसा sandwich बनता है. So thank you so much for watching the video. I hope you all liked it. अगर आपको ये video पसंद आई, अगर आप किसी कुछ cooking type की video भी देखना चाहते हो मेरे channel पर, तो please comment करके ज़रूर बताओ, मैं ऐसी videos और बनाऊँगी. Thank you so much for watching. Love you all. Bye bye. See you in the next one.